नमस्कार, स्वागत है आपका सीएमएन न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ कनिका। यूपी के रामपुर की सबसे पहले बात करते हैं, जहां पर शाहबाद में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक व्यक्ति ट्रॉली के नीचे दब गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद ट्रॉली के नीचे दबे व्यक्ति को बाहर निकाला और उसे आनन फानन में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं डॉक्टरों की माने तो उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहाँ पर हुआ था, क्या घटना हुई? ये खराब हुई, उसमें खराब में शराब पी का अपने वहीं मौज मस्ती कर रहे हो, ठिलारी के नीचे इसका हाथ आ गया। क्या नाम है इनका? इरशाद। इरशाद रहने वाले कहाँ के हैं? हिम्मतपुर के। खास हिम्मतपुर के हैं। अच्छा, तो ये ट्राली के नीचे इनका हाथ आ गया। हाँ, ये ट्राली उचक गई। उचक गई ठिलारी। ठीक। ये काम तो फिट नहीं करते हैं, इस वक्त काम करते हैं, आप तो मजदूरी मजदूरी करते हैं। क्या नाम है इनका? इरशाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मिलने है। आपके बेटे हैं ये? जी। तो ये ट्राली में कुछ भरवा रहे थे क्या? कुछ नहीं भरवा रहे थे। तो ये किस जगह खड़े थे? ये सामने खड़े थे ट्राली के। ट्राली कैसे उचकी? कैसे उचक गई? क्या मालूम, ये नहीं मालूम कैसे उचकी। हम तो घर थे। घर थे आप? हम तो घर थे। आप? ठीक। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में होली का त्योहार सकुशल संपन्न हो गया। मऊ जनपद काफी संवेदनशील होने के नाते जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र बहादुर ने पूरे दिन जनपद की कमान को अपने हाथों में लिया हुआ था। वहीं पुलिस के जवान अपनी वर्दी की परवाह न करते हुए जुलूस और संवेदनशील स्थानों पर डटकर भ्रमण करते रहे। इसका नतीजा यह निकला कि होली के दिन कहीं भी कोई अप्रिय घटना या बवाल देखने को नहीं मिला। जो संवेदनशील स्थान है, जैसे संवेदनशील होलिका स्थल या जो संवेदनशील बूथ वगैरह है, उनका भ्रमण किया जा रहा है। हमारे साथ जो है थाना फेसबुक वाली दक्षिण टोला थराल आरएफ है, ये कंडक्टर जो भी आए हैं वो भी साथ में है। होली का त्यौहार जो है वो असत्य पर सत्य की विजय, और हिरण्यकश्यप को आज के दिन होलिका को याद करते हैं, प्रहलाद को याद करते हैं। प्रहलाद अन्याय के खिलाफ लड़ा, आज अन्याय चातुर्दिक व्याप्त है, उसका मुकाबला करने की जरूरत है। रामपुर के शाहबाद क्षेत्र में एक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार जारी है। कौन है आपके? लड़के हैं सर। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? पस्तौर, किरा का मजरा। किरा का मजरा पस्तौर, तहसील शाहबाद। जी सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लेखराज है। अच्छा, इनका क्या नाम है? कृपाल सिंह। ये कैसे हुआ, क्या हो गया? ये आपस में गाड़ियाँ लड़ी हैं, एक और दूसरी गाड़ी थी करेती थी। अच्छा, वो कहाँ गए? वो भी है यहीं पर आ गए, उन्हें भी डाला। दोनों बाइक लड़ी हैं आपस में? हाँ। इनकी ज्यादा चोट है? हाँ, इनके ज्यादा चोट है। अब तक आप मानते होंगे कि चोरों का नाम सुनते ही आम लोगों को डर लगता है, लेकिन मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पुलिस लाइन के प्रवेश द्वारों पर लगे ताले देखकर अंदाजा लग जाएगा कि पुलिस को भी चोरों से डर लगता है। पुलिस लाइन के दो प्रवेश द्वार हैं और दोनों पर ही विभाग ने ताले लगाए हुए हैं। वजह साफ है कि बीते दिनों अवैध रेत परिवहन करते पकड़े गए डंपर लाइन से चोरी किए गए थे। इसके बाद पुलिस महकमे ने ये कदम उठाया है, लेकिन इससे ये भी साफ है कि चोरों पर नकेल कसने की बजाय पुलिस खुद चोरी से बचने के दूसरे उपाय करने में जुटी है। वैसे तो मतलब एक ही प्रवेश द्वार होना चाहिए, दो लाइन में दो प्रवेश द्वार थे तो हमारे ही निर्देश थे कि एक ही प्रवेश द्वार चालू रखा जाए। फिर क्या, लाइन में बहुत सारी हमारी जो देहात थाने में जो अवैध रेत के डंपर होते हैं वो रखे गए थे, उसमें से दो डंपर चोरी हो गए थे, तो वो थोड़ा सुरक्षा की दृष्टि से हमने निर्देशित किया था कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाए जाए और थोड़ा सा उस एरिया को रेस्ट्रिक्टेड किया जाए। वैसे भी वो हमारा जो कैंपस है वो हमारा शासकीय कैंपस है और उसमें सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी रखते हैं, वैसे भी बाहर के लोगों को उसमें एज सच अलाउ नहीं करते। सिवनी मालवा में डॉलरिया पुलिस ने तहसीलदार के साथ वाहनों की जांच की। इस दौरान पुलिस ने अवैध रूप से रेत का परिवहन करते हुए ट्रॉलियों को जब्त। आपको बता दें कि डॉलरिया में 3, सिवनी मालवा में 5 ट्रॉली जब्त की गई हैं। तहसील का ग्राम कजलास जो नर्मदा नदी से लगा हुआ है, ऐसी सूचना मिली थी कि वहाँ पर रेत का अवैध उत्खनन होकर परिवहन हो रहा है,
राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और माइनिंग विभाग की संयुक्त कार्रवाई वहाँ बनाकर की गई और वहाँ पर 6 ट्रैक्टर ट्राली जो अवैध उत्खनन कर परिवहन कर रही थी उनको पकड़ा गया और कुछ रेत के अवैध स्टॉक भी पाए गए, तो माइनिंग विभाग द्वारा उस पर विधिवत प्रकरण दर्ज किया गया और आगे SDM साहब के लिए उसको पुटअप किया गया था। बैतूल में अचानक मौसम ने करवट बदली है और यहाँ तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। सुबह से ही यहाँ काले बादल छाए हुए थे लेकिन दोपहर में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। जिला मुख्यालय समेत आसपास के क्षेत्रों में अचानक हुई इस बारिश से खेतों में कटा पड़ा गेहूं भी भीग गया है। बारिश से गर्मी से तो राहत मिली है लेकिन किसानों की चिंता बढ़ गई है। यूपी के शामली की बात करते हैं जहां पर होली के त्योहार को लेकर पुलिस अलर्ट दिखी। पुलिस ने चुसाना में फ्लैग मार्च निकाला और असामाजिक तत्वों को चेतावनी दी, साथ ही लोगों से रंगों के त्योहार को प्यार के साथ मनाने की अपील की थी। आपको बता दें कि फ्लैग मार्च का मकसद असामाजिक तत्वों को चेतावनी और ग्रामीण शहरियों संरक्षण और सुरक्षा देना बताया गया था। पुलिस के अनुसार असामाजिक तत्वों को चेताया गया कि यदि उन्होंने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया तो किसी भी कीमत पर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। नतीजन पुलिस ने सकुशल होली का त्योहार पे नजरें बनाए रखी। यूपी के संभल की बात करते हैं जहां गुन्नौर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि यहां 3 दिन से बिजली की तार टूटी पड़ी थी जिसकी विभाग के किसी भी अधिकारी या फिर कर्मचारी ने सुद नहीं ली, जिसकी वजह से आज तारों के चपेट में एक युवक आ गया और उसकी मौत हो गई। थाना क्षेत्र में एक बिजली के करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हुई है, क्या है पूरा मामला? आज करीब 6:30 बजे ये सूचना मिली कि मीरमपुर गांव का वीरेश पुत्र प्रेमराज, जिसकी उम्र 22 वर्ष थी, खेत में शौच को जा रहा था। वहाँ पे 11,000 वोल्ट का हाई टेंशन तार टूट के गिरा था जिससे उसको पैर में टच हुआ है और वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई है। उसकी बॉडी काफ़ी जल गई है। अच्छा, बताया जा रहा है ये तार जो 2-3 दिन से पड़ा था इसमें काफ़ी लापरवाही सामने आई। हाँ, इसमें जो हम लोगों ने गांव से CSC पे पूछा है तो गांव के कुछ लोगों ने बताया कि साहब इसके पहले भी हम लोग 2-3 दिन से ये बिजली विभाग वालों को बताया जा रहा है कि आप इस पर लाइन काट दीजिए या तार को सही करवा दीजिए, लेकिन विद्युत विभाग इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जिसकी आज एक मौत की घटना में परिणित हो गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CNN News। तब तक के लिए नमस्कार।